Hey guys, welcome to my channel that OwnStyle Shree. So if you are new here, then hi guys, I'm Shree, and please take a moment to subscribe my channel and press that bell icon near the subscribe button so you never ever miss out my any video. And guys, it's totally free, so please support me. Thank you. Hey my loving friends, welcome back to my channel that OwnStyle Shree. So in this video मैं आप लोगों से share कर रही हूँ glam wedding guest makeup look. अभी तो wedding season चल रही है, so आप इसे किसी भी function के लिए, wedding function के लिए आप इस look को create कर सकते हो. So yeah, this is a tutorial, and अगर ये video आपको पसंद आता है then इस video को आप like, comment, share कर सकते हो. So if you want to know how I got this look, then keep on watching. पहले मैं अपनी फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी विद गुड वाइब्स ऑर्गन फेशियल ऑयल, एंड इसे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी लिप्स पे भी, क्योंकि मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिक्विड लिपस्टिक. दैट्स व्हाई ये प्रिपेयर्ड बहुत अच्छे से कर देगा लिप्स को फॉर लिक्विड लिपस्टिक. फेशियल ऑयल फेस का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे लॉक करके रखता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समर्स ऑल्सो. अगर आपकी ऑयली स्किन भी है देन आपको मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए. वो आपको एक नेचुरल ग्लो देता है फेस पे. सो यस, इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमर, क्योंकि हमें हमारे मेकअप के लिए एक स्मूथ सा बेस चाहिए. दैट्स व्हाई. एंड फॉर प्राइमर मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स एलोवेरा जेल. गाइज, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ समर में एलोवेरा जेल, क्योंकि इसका जो कूलिंग इफेक्ट है ये मेकअप को बहुत देर तक स्टे करके रखता है, एंड साथ ही साथ ये एज ए प्राइमर बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड इससे पहले मैं डैब डैब करके अपनी पूरी फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगी, देन मैं इसे स्लो हैंड से फेस पे मसाज कर लूँगी. एज यू कैन सी and see the natural glow बहुत अच्छा लगता है ना. and then मैं apply करूँगी पॉन्स बीबी क्रीम. इसे मैं स्वाइप करके apply कर लूँगी. guys, अगर आप हेवी मेकअप नहीं चाहते हो अपने फेस पे, but still आप चाहते हो कि आप gorgeous लगो, picture perfect look चाहिए आपको, then पॉन्स बीबी क्रीम is perfect. ये foundation and concealer दोनों का काम करता है. ये आपकी डार्क स्पॉट्स को हाइड करता है, एक पिक्चर परफेक्ट कवरेज भी ये देता है. एज यू कैन सी मैंने इसे ब्लेंड भी कर लिया है, एंड इसे मैंने एज ए कंसीलर अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया है. एंड यू कैन सी इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस, चाहे आप ब्रश से ब्लेंड करो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ब्लेंड अच्छे से करना होता है. मैंने इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लिया था, एंड अब मैं अपनी पूरा फेस को सेट नहीं करूँगी. जहाँ जहाँ स्वेटिंग होने के चांसेस होते हैं वहाँ मैं बेक कर लूँगी, उस जगह को बेक कर लूँगी. एंड अपने आइज़ पर भी मैंने आइज़ को भी सेट कर लिया है विथ कॉम्पैक्ट. एंड जहाँ मैं करूँगी क्रीम कॉन्ट्रो, फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है स्टिक कोरिक फाउंडेशन कंसीलर कॉन्ट्रो कलर करेक्टर स्टिक. इसे मैं एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर लूँगी, अपनी नोज़ को कॉन्ट्रो करूँगी, अपनी जॉ लाइन को, एंड अपनी चिक्स को भी. गाइस, माना कि हमें हेवी मेकअप लुक नहीं चाहिए, फिर भी हम हमारे फेस को स्लिम तो दिखा सकते हैं ना, एंड फॉर दैट क्रीम कॉन्ट्रो इज बेस्ट. एंड देन मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी. एज यू कैन सी मैंने ब्लेंड कर लिया है, एंड अब मैं पूरी फेस को सेट कर लूँगी विथ सेम लैक में 92.5 कॉम्पैक्ट. ये एक मैट कॉम्पैक्ट है एंड समर के लिए परफेक्ट है. एंड अब मैं अपनी आईब्रो ड्रॉ करूँगी. फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है मेवलिन का ड्रामा जेल लाइनर. बहुत स्लोली फिल करूँगी, जैसे अपनी गैप्स को फिल कर लूँगी, एंड देन मैं इसे स्पूली की मदद से सेट कर लूँगी. सो जैकलिन हिल पैलेट से मैं ये ऑरेंज का शेड लेकर ऑरेंज शेड लेकर अपनी ट्रांजिशन पे अप्लाई करूँगी.
आपको वो कलर तब तक ऐड करना है ट्रांजिशन पे जब तक एक परफेक्ट कलर नहीं आ जाता है. एंड यू कैन सी एक परफेक्ट कलर आ चुका है. एंड अब आपको क्या करना है, एक फ्लैट आई शेडो ब्रश की हेल्प से आपको एक डीप रेड कलर पिक करना है, उसे अपनी ट्रांजिशन पे अप्लाई करना है. ट्रांजिशन नहीं सॉरी, अपनी क्रीज पे अप्लाई करना है, क्रीज लाइन पे. एंड यस, इसे मैंने अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लिया है एंड एक कलर भी आ गया है. देन मैं दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद ए फ्लफी ब्रश. एंड मैं सेम ड्रामा जेल लाइनर को एज ए लाइनर भी अप्लाई करूँगी, एक थिक लाइनर एज यू कैन सी. देन आपको क्या करना है, एक विंग ड्रॉ करना है एंड इस आउटर वी से हाफ क्रीज तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. गाइस मैंने सोचा कि ग्लैम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक अगर हम कर रहे हैं देन कुछ स्मोकी साई कर लेते हैं. सो या एंड आपको आउटर वी में एक वी से ड्रॉ करना है विथ सेम लाइनों एज यू कैन सी. इसी तरह आपको एक ड्रॉ कर लेना है एंड एक विंग भी आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ड्रॉ करने की. ओके सो मेरा हो गया है एंड एज यू कैन सी. अब आपको ट्रांजिशन पे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड लिटिल बिट अपनी वो जो क्रीज पे आपने अप्लाई किया था आउटर वी पे जेल लाइनर आपको उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि सब कुछ सेट लगे. देन मैं क्या करूँगी, सेम लाइनर को मैं लोअर लैश लाइन की तरफ लेकर आऊँगी बस थोड़ा सा ही. देन आपको क्या करना है, उस गैप में अपनी आईलिड पे इनर कॉर्नर से आईलिड तक मैं क्या करूँगी, गोल्डन आई शेडो लेकर शिमर आई शेडो इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं लेकर प्लेस करूँगी. एंड एज यू कैन सी मैंने प्लेस कर लिया है. बहुत जल्दी वीडियो जा रही है सो इतनी जल्दी मैं बोल नहीं पा रही हूँ. सो देन मैं सेम रेड कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी ऐड कर लिया है एंड जितने भी फॉल आउट्स हुए थे मैंने उन सबको रिमूव कर लिया है विथ पाउडर ब्रश सॉरी. सो देन मैंने स्टेक क्वेरी काजल अप्लाई कर लिया है, आई लव यू टू काजल. अपनी लोअर वाटर लाइन को टाइट लाइन मैंने कर लिया था एंड देन मैं अप्लाई करूँगी हैवी टू हैवी कोट ऑफ मस्कारा क्योंकि यहाँ मैं कोई भी फॉल्स आईलेसेस के लिए नहीं जा रही हूँ. दैट्स व्हाई अगर आपको चाहिए देन आप अप्लाई कर सकते हो. सो देन मैं अपनी क्रीम कॉन्टोर को सेट कर लूँगी विथ लोरियल ब्रॉन्जर से. अपनी नोज़ को, अपनी कॉन्टोर को, अपनी जॉ लाइन को. देन यहाँ मैं अप्लाई करूँगी ब्लश फॉर पिंकी नेल्स ऑन माय चिक्स. फॉर दैट आई एम यूजिंग योर शुगर ब्लश एंड एज यू कैन सी इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो देन मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर क्योंकि ग्लो किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना. एंड फॉर वेडिंग फंक्शन ओबियसली ग्लो तो हमें चाहिए चाहिए. सो नेचुरल ग्लो एंड उसके साथ आप ऐड कर सकते हो सम क्या कुछ कोई भी पैलेट से आप ग्लो ऐड कर सकते हो हाइलाइटर पैलेट से. एंड फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है शिवाना पैलेट. मैंने अपनी यूजुअली पॉइंट्स को हाइलाइट कर लिया है, अपनी चिक बोन, अपनी ब्रिज ऑफ द नोज, अपनी क्यूपिड बो, अपनी फोरहेड सबको, इनर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है एंड ब्राबोन को भी. देन मैंने अपनी पूरा मेकअप को सेट कर लिया है विद सेटिंग स्प्रे. गाइज अगर आप वेडिंग फंक्शन के लिए जा रहे हो देन मेक श्योर आपने आपका मेकअप को सेट कर लिया है. देन मैं अप्लाई करूँगी शायस्टाइल द मेकअप स्टोरी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड ओ हीरोइन. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रेड कलर एंड यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक. होप यू लाइक्ड इट एंड जो भी सारी गलती मुझसे हुई है फॉर दैट प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई होप यू लाइक्ड इट. अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, ये लुक आपको पसंद आया है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है एंड मुझे कॉमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं. एंड
प्लीज़ अगर नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल बटन. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन वेडिंग ये तो सीजन है, सोनिया डांस होता रीजन है. आई एम सॉरी आई एम नॉट ए गुड सिंगर. सो मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.